नमस्कार अंकित जी, नमस्कार। मैं सुमित शर्मा, हरदा जिला मध्य प्रदेश से। नमस्कार, मैं निशा शर्मा, हरदा जिला मध्य प्रदेश से। और आज की इस शुभ संध्या में हम आपके समक्ष निर्गुण गायन की प्रस्तुति देने जा रहे हैं। और आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, और जो निर्गुण गायन हम कर रहे हैं यह है संत सिंगाजी महाराज का की रचनाएं हैं ये सब। और संत सिंगाजी महाराज को मध्य प्रदेश में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, और मध्य प्रदेश के मालवा एवं निमाड़ प्रांत के कबीर की संज्ञा संत कवि सिंगाजी महाराज को दी गई। इसी के साथ गुरु पूर्णिमा इस महापर्व की आप सभी को शुभकामनाएं, और हम आपके समक्ष अभी निर्गुण गायन प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि हमारे 500 साल पुरानी यह ट्रेडिशन है, एक प्रकार की लोक गायकी से हम कह सकते हैं। और कुछ नव प्रयोग हमने इसमें किए हैं, जो कि हम टीम के साथ प्रस्तुत करते हैं। और अभी इस कोरोना काल में आप सभी लोग जानते हैं, टीम के साथ बैठ पाना तो संभव नहीं है। और आज तेज़ बारिश हो रही है, इस कारण मैं क्षमा चाहूँगा कि हमारा जो तबला संगतकार हैं वो उपस्थित नहीं हो पाए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। संत सिंगाजी महाराज ने जो जिन पदों की रचना की थी, उन 500 साल पुराने पदों का गायन हम आपके समक्ष कर रहे हैं। और हम मध्य प्रदेश से हैं, आपके उड़ीसा में हम आपको यह गायन सुना रहे हैं। उत्कलिका मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने हमें अपने फेसबुक पेज पर इनवाइट किया, और आज हमें अपने गायन का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद। तो आइए प्रस्तुत करते हैं निर्गुण गायन, अनुमति चाहूँगा। आप कुछ बोल रही थी बीच में। आज गुरु पूर्णिमा है, आप सभी गुणीजनों एवं गुरुओं को सत सत नमन। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ श्री विजय राव सप्रे ग्वालियर घराना के गुरु जी हैं, उनसे हमने शास्त्रीय संगीत की विधिवत प्रशिक्षण ली है। और हमारे हस्बैंड जो हैं वो पद्मश्री गुंदेचा ब्रदर्स से भी संगीत की विधिवत प्रशिक्षण ले रहे हैं। और सभी गुरुओं को सत सत नमन। और इसी के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है गुरु वंदना। गुरु महाराज गोविंद दीजो रे बताए, गुरु जी थारा बढ़िया लागो रे। तो इसी के साथ प्रस्तुत है सुमित शर्मा जी एवं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, हम शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण भी हम ले रहे हैं और गायन भी करते हैं, लेकिन हमारी यह परंपरा पिछड़ती जा रही थी, तो हमारे मन में ख्याल आया कि इस निर्गुण परंपरा को भी आगे बढ़ाया जाए, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हम इस प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, इसको आगे लेके जा रहे हैं। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। Thank you.
इधर से जाओ, इधर से घूमते जाओ, इसे इस साइड से जाओ। वासी उस देश का जहाँ बारह मास विलास, प्रेम झरे विकसे कवल प्रेम कुंज प्रकाश। कवित वाणी है और सिंगावाणी कि हम पंचे पर ब्रह्म का अपरम पद जहाँ तू निराधार, जहाँ मटकियों की भाई जहाँ चंदना सूरना। हम पंछी पर ब्रह्म का अपरम पद जहाँ दूर, निराधार जहाँ मटकियों जहाँ चंदना सूर। सूरज वहां नहीं दिखे भानुकोटि उजियारा, सूरज वहां नहीं दिखे भानुकोट उजियारा, जिनका नैन शून्य में लागा तब पसारा सा। भजन है निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, कोई समझो समझो न्यारा। निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, अरे कोई समझो समझ न्यारा। निर्गुण ब्रह्म है खोजत शिव जी था के ऐसा अपरम पारा। कि निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, अरे कोई समझो समझ न्यारा। निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, अरे कोई समझो समझ न्यारा। शिष्य सहस्त्र टे निरंतर रन दिवस एक सारा जी, मुख रटे निरंतर रन दिवस एक सारा जी। ऋषि मुनि और सिद्ध चौरासी, ऋषि मुनि और सिद्ध चौरासी, 35 कोटि पची हारा वो निर्गुण, 33 कोटि पचिहारा वो निर्गुण, 33 कोटि पचिहारा। कि निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, अरे कोई समझो समझ न्यारा। निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, अरे कोई समझो समझ न्यारा। महल मन अनहद बाजे होत शब्द
संत सिंगाजी महाराज का यह दूसरा भजन गुरु महाराज गोविंद दीजो रे बताए गुरु जी थारा पहिया लागो रे गुरु रे घट में इंधारो बाहर सूझे नहीं रे गुरु महाराज ज्ञान को दिवलो जलाओ गुरु जी थारा पहिया लागो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु पहिया लागू हरि से मिलाए दीजो जी घट अंधियारा नयन न सूझे ज्ञान का दीपक जलाए दीजो जी गुरु पहिया लागू हरि से मिलाए दीजो जी। तो संज्ञा जी महाराज भी उसी बात को अपने शब्दों में कहते हैं कि गुरु महाराज गोविंद दीजो रे बताए गुरु जी थारा पहिया लागू रे गुरु महाराज घट अंधियारो बाहर सूझे नहीं रे गुरु महाराज ज्ञान को दिवलो जलाए गुरु जी थारा पहिया लागू गुरु महाराज गोविंद दीजो रे बताए गुरु जी थारा पहिया लागू रे गुरु महाराज गोविंद दीजो रे बताए
कट मैं इधारू बाहर सूझ नहीं। गुरु ने ज्ञान को जीवन चलाओ गुरु जी थारा पैया बाबूरे गुरु भर गोविंद दी जो रे बताय गुरु जी थारा पैया बाबूरे गुरु भर जला मैं को हूँ तो सोई रे गुरु भर जला मैं को हूँ तो सोई रे गुरु मखर मदी जो जगा गुरु जी खार पैया लालू रे गुरु मर गोविंद दी जो रे बताय गुरु जी खार पैया लालू रे गुरु रे भव सागर में जल उन्डो गणो रे गुरु मर भव सागर जल उन्डो गणो गुरु रे हम उतार पहली पार गुरु जी थार पैया लालू रे गुरु मग हम उतार पहली पार गुरु जी थार पैया लालू रे गुरु मर गोविंद दी जो रे बताय गुरु जी थार पैया लालू रे गुरु रे दास दरु जो हर की बीन दिए दरु हर दास गुरु जो हर की बीन दिए गुरु तुम्हारा को चरण आधार गुरु जी थार पैया लालू रे गुरु हर गोविंद दी जो रे बताय गुरु अरे पैया लागू रे महाराज गुरु जी थार पैया लागू रे गुरु हर गोविंद दी जो रे बताय गुरु जी थार पैया लागू रे गुरु हर गोविंद दी जो रे बताय गुरु जी थार पैया गोविंद दिजोरे बताए गुरु जी थरा पहिया लागू रे एक बार संत सिंगा जी महाराज के जीवन का यह एक वाक्या सिंगा जी महाराज भामगढ़ के राजा के दरबार में पोस्टमैन की नौकरी करते थे तो घोड़े पर से बैठ कर जा रहे थे। रास्ते में सुप्ता नदी के किनार पर गुरु मनरंग गिर स्वामी तपस्या में लीन थे और कहू के वृक्ष के नीचे बैठ करके एक भजन गा रहे थे। उस भजन को सुनने के लिए सिंगाजी महाराज ने अपने घोड़े की लगाम खींची और भजन को सुना और भजन सुनने के पश्चात तुरंत उनको मन पे वैराग्य हो गया। उन्होंने भामगढ़ के राजा की नौकरी का त्याग किया और समाज सेवा में समाज के उत्थान कार्य में लग गए। तो सिंगा जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव आपने ये किस प्रकार का मेरे को बाण मार दिया है जो कि मुझे एक तीर से ही उस ब्रह्म का की स्वरूप का पता चल गया। कहते हैं कि मारा बाण कसी मर सकती हूँ वही भजन में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे मारा बाण कसी कि मारा बाण कसी मारा सतगुरु मारा बाण कसी मारा बाण कसी मारा सतगुरु मारा बाण कसी मारा गुरु मारा बाण कसी मा
कसी मारा सतगुरु मारा बाण कसी मारा बाण कसी मारा सतगुरु मारा बाण कसी छुरी नहीं मारी कटारी नहीं मारी 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 शब्द का भाल घसी मारा सतगुरु मारा बाण घसी मारा बाण घसी मारा सतगुरु मारा बाण घसी तन को घाव नजर नहीं आवे तन को सतगुरु मारा बाण कसी मारा बाण कसी मारा सतगुरु मारा बाण कसी कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु कहे जन सिंगा सुनो भाई गुरु मन रंग भाल घसी मारा सतगुरु मारा बाण घसी मारा बाण घसी मारा सतगुरु मारा बाण घसी मारा बाण घसी मारा बाण घसी मारा बाण घसी मारा सतगुरु मारा बाण घसी मत जाए रे भवरा प्यासा प्रस्तुत पद सिंगाजी महाराज का ही है और सिंगाजी महाराज कहते हैं कि मत जाए रे भवरा प्यासा। भवरा आप इस दुनिया में आए हो तो यहाँ से राम रस पी करके जाइए, यहाँ से प्यासे मत जाइए। मत जाए रे भवरा प्यासा सुगरा नर तो भर भर पीवे लुगरा जाए रे प्यासा। अर्थात जिनके पद प्रदर्शक गुरु हैं, जो गुरुमुख हैं, जिन्होंने गुरु बनाए हैं, गुरु शिक्षा दीक्षा ही है और गुरु ने जिनको तैयार किया है वो लोग तो राम रस पी के जाते हैं और कुछ लेके जाते हैं, लेकिन जो लुगरे हैं जिनका कोई गुरु नहीं है, जिनका कोई पद प्रदर्शक नहीं है, जो शिक्षा दीक्षा से रहित हैं, वह लोग इस दुनिया में आकर के और एक प्यासे भौरे की तरह भटकते हैं और प्यासे ही वापस चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें गुरु का होना आवश्यक है। बिन गुरु भवने की तरह ही न कोई जो ग्रंथ संकट हम हो तो मत जा रहे भौरा प्यासा भैया मत जाए रे भवरा प्यासा 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 तुम पियो राम रस खासा तुम पियो राम रस खासा मत जाए रे भवरा प्यासा मत जाए रे भवरा प्यासा मत जाए रे भवरा प्यासा ध्रुव न पियो प्रहलाद न पियो 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 ऋषि दुर्वासा मत जाए रे भवरा।
अरे पियो ऋषि दुर्वासा मन जाए रे भवेरा प्यासा, अरे मन जाए रे भवेरा प्यासा, मन जाए रे भवेरा प्यासा। भरो बाजार नर सौदा कर ले, भरो बाजार नर सौदा कर, भरो बाजार नर सौदा कर ले, भरो बाजार नर सौदा कर ले। पाव लत्ती तिल मासा मत जाए रे भवेरा प्यासा, अरे पाव लत्ती तिल मासा मत जाए रे भवेरा प्यासा, मत जाए रे भवेरा प्यासा, सुगरा नर तो भरे भर पीवे, सुगरा नर तो भरे भर पीवे, सुगरा नर तो भरे भर पीवे, सुगरा नर तो भरे भर पीवे। अरे नुगरा जाए रे प्यासा मत जाए रे भवेरा प्यासा, अरे नुगरा जाए रे प्यासा मत जाए रे भवेरा प्यासा, मत जाए रे भवेरा प्यासा, मत जाए रे भवेरा प्यासा। कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु, कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु, कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु, कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु। या है पर है निर्वाणा मत जाए रे भवेरा प्यासा, अरे या है पर है निर्वाणा मत जाए रे भवेरा प्यासा, मत जाए रे भवेरा प्यासा, तुम पियो राम रस खासा, मत जाए रे भवेरा प्यासा, मत जाए रे भवेरा प्यासा, मत जाए रे भवेरा प्यासा। प्रस्तुत है संत सिंगा जी का एक और भजन, बहुत ही सुंदर शब्द और अर्थ है। काई नायन काई ले जावंगा, जसा आया न वसा चली जावंगा, अर्थात क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, जैसे खाली हाथ आए हैं वैसे ही खाली हाथ चले जाए। धीरे विधाता न सुंदर काया, कर लियो भजन भाई छोरी न माया, ईश्वर ने इतने सुंदर मनुष्य का रूप दिया है, तो इस मनुष्य के माध्यम से जो आत्मा है वो कह रहा है कि भगवान की भजन कर लो। और साथ में जाए थारी महल अटारी, थारी मारी में उम्र बीतेगी सारी। हम अक्सर मोह माया के चक्कर में रहते हैं और तेरा मेरा करते हुए हमारा जीवन वैसे ही व्यर्थ हो जाता है। और अंत में क्या होता है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो लागियो बुढ़ापा भाई पकड़ लियो खाट, लाई दे रे पानी भाई देखी रहे बाट, पानी मांगी न मांगी मरी जावंगा, जैसा आया न वैसा चली जावंगा। आखिर में हम लोग का अंत हो जाता है और इस शरीर को छोड़कर आत्मा जो है वो ईश्वर के पास चली जाती है, लेकिन क्या होता है, आइए इस भजन के माध्यम से हम आपको गा के बताते हैं। अरे काई लाया न काई ले जावंगा, जैसा आया न वैसा चली जावंगा, अरे काई लाया न काई ले जावंगा, जैसा आया न वैसा चली जावंगा, अरे काई लाया न काई ले जावंगा, जैसा आया न वैसा चली जावंगा, अरे काई लाया न काई ले जावंगा, जैसा आया न वैसा चली जावंगा। धीरे विधाता न सुंदर काया, धीरे विधाता न सुंदर काया, कर लो भजन भाई छोड़ न माया, कर लो भजन भाई छोड़ न माया, भजन करी न अपन कर जावंगा, काही लाया न काही ले जावंगा,
हरे काही लाया न काही ले जावंगा जसा आया न वसा चली जावंगा लाग्यो बुरा पो भाई पकड़ लियो कान लाग्यो बुरा पो भाई पकड़ लियो खाट लाई दे रे पानी भाई देखी रहो वाट लाई दे रे पानी भाई देखी रहो वाट पानी मांगी न मांगी मरी जावंगा जसा आया न वसा चली जावंगा अरे चारू मांगी न मांगी न मरी जावंगा जसा आया न वसा चली जावंगा अरे काही लाया न काही नहीं जावंगा जसा आया न वसा चली जावंगा काही लाया न काही नहीं जावंगा जसा आया न वसा चली जावंगा। आनंद मंगलाचार सिंगाजी घर आनंद मंगलाचार फूलों में खुशबू उसी से है रंगों में रंग उसी से है आसमान में पंछी उसी की कृपा से उड़ते हैं और आप लोगों से आज हमारी मुलाकात हुई यह भी उसी की कृपा है। निर्गुण का गुण कसा हम गावा है ओका गुण को अंत न पार सिंगा जी घर मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंगा जी घर आनंद अरे आनंद मंगलाचार सिंगा जी घर आनंद मंगलाचार 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 निर्गुण का गुण कसा हम गावारे 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 ओ का गुण को अंत न पार सिंगा जी घर आनंद मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंगा जी घर आनंद मंगलाचार होत भंडारा नित कन्हैया रे 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 पावन महाप्रसाद सिंगा जी घर आनंद मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंगा जी घर आनंद मंगलाचार ज्ञान गंगा की निर्मल धारा 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 सत्संग होए दिन रात सिंगा जी घर आनंद मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंगा जी घर आनंद मंगलाचार दास तुम्हारा कर अरदास दास तुम्हारा कर अरदास दास तुम्हारा कर अरदास दास तुम्हारा कर अरदास गुरु चरणन की आस सिंगा जी घर आनंद मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंगा जी घर आनंद मंगलाचार।
धन्यवाद उत्कालिका मंच का और आप सब श्रोताओं का। और मैं आपसे बार बार क्षमा चाहूँगा कि आज हमारे संगतकार और हमारी पूरी टीम उपस्थित नहीं है। हमारा देश इस भीषण महामारी और भीषण परेशानियों के दौर से आज गुजर रहा है और इसी कारण हम खुशी तो मना नहीं सकते, तो क्षमा चाहूँगा और इन फ्यूचर यदि आप लोगों ने याद किया तो हम वापस मैं संगीन हमारे पूरी टीम के साथ पूरे दल के साथ उपस्थित होंगे। और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। निर्गुण के बारे में तो सभी जानते हैं, निर्गुण निराकार एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, एक ही ब्रह्म है दूसरा नहीं है, न पहले कभी हुआ और न आगे कभी होगा। तो इसी के साथ इस सभा की हम समाप्ति करते हैं और आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे इस गायन को सुना और अभी तो हम संगीत की साधना कर रहे हैं, संगीत के विद्यार्थी हैं और आप लोगों के प्रेम से और उत्साह वर्धन से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप ही हमें प्राण शक्ति पूछते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।